हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेली सावले और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरएस ऑटोमोटिव। तो आज फिर से एक नई वीडियो लेके आपके सामने आ चुका हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप आपके एक मोटोव्लॉग वीडियो से जो है विंड नॉइस को कैसे दूर कर सकते हैं। मोटोव्लॉग में जो है मोटोव्लॉगर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है विंड नॉइस की, और मुझे भी जो है स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि मुझे सही टेक्निक्स नहीं पता थे। तो आप जो है पहले मेरा बिफोर और आफ्टर शॉट्स देख के आइए ताकि आपको भी पता चले कि मेरी साउंड पहले कैसी थी और इस जुगाड़ को करने के बाद कैसी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेली सावले और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरएस ऑटोमोटिव। तो आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके लिए आ चुका हूं। तो अभी पिछले दो दिन तीनों से जो है मैं एक चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हूं, जो कि है मेरे मोटोव्लॉग के साउंड। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, अभी इनिशियल स्टेज में हूँ, मुझे कुछ पता नहीं होता कि कैसे साउंड रिकॉर्ड हो रही है। फिर मैं जब भी यार घर पे जाके देखता हूँ, एक तो 10-15 किलोमीटर की राइड मुझे ऐसे ही करनी पड़ती है बिना कुछ भी मतलब के, तो वो पहले से इरिटेशन। और ऊपर से जो है घर पे जाके देखता हूँ कि मेरी सारी ही जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाती है। वैसे मैं घर पे जाके जो है वॉइस ओवर करके वीडियोस डाल देता हूँ, पर उसमें उतना ज़्यादा मज़ा नहीं है जितना कि ये चीज़ को करने में है। तो अगर आज ये चीज़ काम कर जाती है तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी। मैंने सब तरीके ट्राई कर लिए, धीरे बाइक चले के भी ट्राई कर लिया और दूसरी भी काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर ली। अभी मैंने एक जो है जुगाड़ ढूंढा है, अगर ये जुगाड़ काम कर जाएगा तो मैं स्पेशली मेरे जैसे जो भी मोटो व्लॉगर्स है उनके लिए एक वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें चाहिए आपको एक माइक को जो है विंड प्रूफ बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है ये एक ग्लू गन। आप कोई सा भी अदर जो है बॉन्ड यूज कर सकते हैं, चिपकाने के लिए कोई भी अदर चीज यूज कर सकते हैं, पर अगर आपके पास ग्लू गन है तो वो चीज ज्यादा अच्छी रहती है। दूसरी चीज ऑब्वियसली है एक कॉलर माइक। ये जो है मैं कॉलर माइक यूज करता हूँ, कई लोग SJKM के माइक यूज करते हैं, कई लोग रोड के माइक यूज करते हैं। तो आपके पास जो भी माइक जिसे आप साउंड रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं उसे ले लेना है। एक छोटा सा फोम का टुकड़ा आपको चाहिए, एक छोटा सा एक क्लॉथ का टुकड़ा आपको चाहिए, एक टेप चाहिए और एक कोई सा भी टेडी बियर टॉय चाहिए आपको, और साथ में और कुछ नहीं, साथ में आपको सिर्फ ये एक हेलमेट चाहिए, बस दैट्स इट। और ये सारी ही चीजें जो है आपके घर पे पड़ी ही होती है, सिर्फ आपको जो है थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ता है। जैसे ये चीज है, इसे आप जो है किसी भी सीट कवर वगैरह वाले के पास से मुफ्त में आपको मिल जाता है या फिर 5-10 रुपए लगते हैं, तो बस सिर्फ यही चीज जो है बाहर से लानी पड़ती है, बाकी सारी ही चीजें जो हमारे घर से मिल जाती है। तो अब चलिए मेन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब जो है मेन प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। ये टेबल को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, बहुत ज़्यादा गंदी टेबल है। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जो भी माइक यूज़ करते हैं वॉइस इनपुट के लिए उसे आपको ले लेना है। और दूसरी चीज़ जो कि आपको चाहिए वो है ये कि ये टॉय, एक आपको ये टॉय ले लेना है। अब यहाँ पर आपको ये क्या करना है कि ये टॉय के अंदर से कुछ इस टाइप का जो है मटेरियल निकलता है, तो आपको जो है थोड़ा सा मटेरियल इसके अंदर से निकाल देना है। और ये देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा मटेरियल निकाल लिया है। अब इसे क्या करना है कि ये जो कॉलर माइक होता है इसके इर्द गिर्द जो है आपको इसे थोड़ा सा फैला देना है और कवर कर लेना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको एक क्लॉथ का टुकड़ा लेके जो है इसे अच्छे से रैप कर देना है। और यहाँ पे जो है आप या तो रबर बैंड भी मार सकते हैं, पर मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है सेलो टेप का यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी अच्छे से जो है कवर कर लिया, और कवर करने के बाद जो है माइक कुछ ऐसा दिखता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आगे का स्टेप आपको क्या करना है। आगे का स्टेप जो आपको करना है कि ये देख सकते हैं कि मैंने एक फोम ली है, पर ये जो फोम है ये बहुत ज़्यादा मोटी है, तो आपको क्या करना है कि इसे जो है बीच में से दो पार्ट कर देने हैं और थोड़ी सी जो है इसे पतली बना देनी है।
तो वो करने के बाद जो है मैं आपसे मिलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फोम थी उसका जो है मैंने बीच में से दो पार्ट कर लिया है। आगे का स्टेप आपको क्या करना है कि आपको एक तो ये माइक लेना है और इसे बीच में रख देना है और यहाँ पे जो है ऊपर के सिरे पे और नीचे के सिरे पे या तो रबर बैंड बांधना है या फिर जो है आपको धागा लगा देना है। और किसी चीज़ का यूज़ ना करें क्योंकि और किसी चीज़ का यूज़ करेंगे तो अच्छे से साउंड रिकॉर्ड नहीं होगी। और तो आपको जो है कुछ इस तरीके से जो है इस चीज़ को तैयार कर लेना है। तो अब ये जो माइक है इसे पहले आपको एक प्लेस ढूंढना है आपके हेलमेट में कि आपको ये चीज़ को कहाँ पे लगाना सही रहेगा, क्योंकि हर एक के हेलमेट में अलग अलग ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि आप किसी भी माइक को आइसोलेट कर सकते हैं। तो मैं जो है आपको मेरे हेलमेट की ऐसी जगह दिखा देता हूँ। तो ये जो है आप देख सकते हैं ये एक चीन कर्टन का हिस्सा है, ये सारे जो है चिक्स पैड है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो पार्ट है लाइक चीन कर्टन के नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे मैं अच्छे से माइक को आइसोलेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे माइक रख सकता हूँ, इसको जो है यहाँ से विंड नॉइस नहीं लगेगी और यहाँ से भी नहीं लगेगी। तो हर एक के हेलमेट में अलग अलग ऐसे हिस्से होते हैं पर मैक्सिमम हेलमेट्स में जो है चीन कर्टन होता ही है। तो अब चीन कर्टन के जो निचला हिस्सा होता है इस जगह पे जो है आप काफ़ी अच्छे से माइक को आइसोलेट कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको एक माइक लेना है और इसे जो है यहाँ पे चिपका देना है, अच्छे से चिपका देना है। अब किस मटेरियल से चिपकाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंडेड है। मैं जो है ग्लू गन से चिपकाने वाला हूँ, तो एक बार जो है मैं चिपका लेता हूँ और बाद में जो है मैं आपको मिलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो माइक है उसे अच्छे से फिक्स कर लिया है। बाकी का प्रोसीजर क्या है कि मैं ये जो वायर है इसे पैडिंग के अंदर से निकाल देता हूँ, क्योंकि मेरे हेलमेट में रिमूवेबल पैडिंग है तो मैं पैडिंग के पीछे से निकाल सकता हूँ। अगर आपके हेलमेट में नहीं है तो आप जो है यहाँ पे चिपका के भी निकाल सकते हैं। तो मैं जो है पहले वायरिंग निकाल देता हूँ और फिर जो है आपको एक लास्ट स्टेप दिखा देता हूँ। तो मैंने जो है एक पूरी ही जो वायर होती है उसे साइड से निकाल लिया है। अब जो है मैं आपको एक फाइनल स्टेप दिखा देता हूँ जो कि ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं और ना चाहे तो ना भी कर सकते। वो ये है कि एक फोम का टुकड़ा लीजिए जिसकी मोटाई ज़्यादा ना हो और इसे जो है यहाँ पे ऊपर थोड़ा दबा के चिपका दीजिए। इसे होगा ये कि आपका जो सेटअप है लाइक माइक सेटअप है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन दिखेगा। तो मैं ये स्टेप करने वाला हूँ क्योंकि भाई मुझे नहीं चाहिए कि ये रबर बैंड्स और सेलो टेप ये जो है मुझे बाहर दिखे। तो मैं जो है पहले चिपका देता हूँ और फिर जो है आपसे मिलता हूँ। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि मैंने जो है सभी जगह फॉर्म के जो है थोड़े थोड़े लाइक टुकड़े लगा के सारी ही चीज़ें आइसोलेट टाइप सी जो है बना दी है। तो आप भी ऐसी ही चीज़ कर सकते हैं और अब जो है ये पूरा दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगता है, वरना जो है काफ़ी सारी सेलो टेप्स और सारी ही चीज़ें जो है वो बाहर दिख रही थी। तो अब जो है फाइनल आउटपुट तो आपको जो है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में सुना ही दिया है। अगर आप फिर से सुनना चाहते हैं तो फिर से जो है वीडियो में शुरुआत में जाइए और वहां पे जाके आप सुन सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो के लिए। तो यह हेलमेट जो है अब इसमें मोटो लॉक जो है मैं काफी ज्यादा आसानी से कर सकता हूँ और फाइनली मैं इस चीज से काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे जो है पहले आपने जैसे देखा कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता था जो कि मुझे नहीं लगता कि जिसे ओरिजिनल मोटो लॉक कहा जा सकता है। तो अब जो है मैं ओरिजिनल लाइक ऑर्गेनिक जो तरीका होता है उससे मोटो लॉक कर सकता हूँ। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नीचे जो है आपका प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूले। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।